ऐसे बेटर लग रहा है क्यों? वैसे आवाज नहीं अच्छी लगती बिना माइक से। अच्छा ओके जय गुरु जी। अगर क्वाइट होगे तो ही सुन सकोगे ना। एडजस्ट हो गए, आज के इलेक्शन टाइम है, थोड़ी एडजस्टिंग कर लो सीट की। हमारे यहाँ भी है, गुरु जी भी सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा इन्हू बिठाना है देनार, उन्हू बिठाना है देनार। चलो ओके जय गुरु जी। सारी आई हुई संगत को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुस्कुराहट और आपकी गुरु जी के साथ प्रीत बढ़े। यू नो जैसे कहते हैं ना, सतगुरु में पाया। बहुत लकी हैं हम, बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमें गुरु जी मिले। कोई कहता है कि मिले हो या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये सोचो कि गुरु जी तो मिले हैं, उनका एहसास मिला है, उनका प्यार मिलता है आपको। हर संगत को प्यार मिलता है, ऐसा नहीं है कि किसी को प्यार नहीं मिलता। एक एक संगत को इंडिविजुअली प्यार करते हैं। हमारी भी जर्नी कैसे कहते हैं ना कि बहुत सबकी जर्नी, हमारी जो जिसको कहते हैं ना, हर एक की कहानी अपनी अपनी है। एक सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है, पता नहीं कितने जन्मों से हमारी जर्नी चलती आई और इस जन्म में जाके हमें, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे जैसे एहसास अब हुआ है कि पूरन गुरु परमात्मा क्या होता है। मेरे लिए मेरा गुरु ही मेरे परमात्मा है। इनको मत्था टेक लिया तो सारे परमात्मा को मत्था टेक जाता है। बिकॉज वो कहते हैं ना कि एक ही के साथ लड़ लगती है आपकी, लिव लगती है। इससे मैं एक सत्संग सुनाऊंगी और ज्यादा लंबे चौड़े सत्संग नहीं करेंगे आज। आज उनका बर्थडे सेलिब्रेशन है, मधु आंटी के साथ भी हमारा बहुत, पता नहीं कि मतलब वो कहते हैं ना, संगत के साथ भी बहुत जन्मों के हमारे रिश्ते होते हैं, गुरु के साथ और संगत के साथ। तो वही वाले सर्कल और वही वाली यू नो हम सारे ग्रुप्स पैदा होते हैं करते हैं। तो आंटी के साथ भी हमारी बहुत क्या कहते हैं पुराना याराना है ना। और यहाँ से हम शुरुआत हुई अलगा की वजह से हुई, उम्र में हमें साथ होना अलगा के साथ। कॉल है मैडम, मेरे को चिपका रहे, मैं आपको चिपका रही हूँ, वही है, यही वाली बात है ना। हाँ मतलब वो एक लग रहा है ना एक दूसरा, अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ कि मैं गुरु जी से चिपकी हूँ, आप भी चिपके हो, सारे एक दूसरे के साथ ना, मतलब गुरु जी को कोई छोड़ ही नहीं रहा। नहीं हमारा प्लान था आपको सरप्राइज करने, फायदा क्या होता आपका बर्थडे कैसे होता। सो बट ये प्यार है जो अगर हम कई साल ही मिलते हैं, हम काफी साल से इवन गुंजन के यहाँ, गुंजन को नहीं मिली, पूजा को नहीं मिली, बट वो प्यार प्यार ही रहता है और वो झलकता भी है। सो इस जैसे वो कहते हैं ना, एक का लड़ पकड़े रखो तो तर जाओ। ये बात है जो गुरु जी चोले में थी, तो मैं साईं बाबा को यू नो प्लीज प्लीज आवाज नहीं करो, प्लीज बात नहीं करो, बिना बात के लंगर दे दो सबको, कोई दिक्कत नहीं। सो जब मैं साईं बाबा के मंदिर भी जाती थी, बिना ऐसे ना बात मत करो, लंगर लो, लंगर के अंदर भी आपकी ब्लेसिंग है। लंगर जो है, अगर आप इसको दवाई समझ के खाओगे, गुरु जी की ब्लेसिंग समझ के खाओगे तो लंगर लगेगा, नहीं तो खाना लगेगा। सो इसको, क्योंकि जब आप भोग लगाते हैं तो उसमें गुरु जी अपनी वाइब्रेशन डालते हैं, गुरु जी अपना प्यार डालते हैं उसके अंदर, तो इसलिए मना नहीं करना चाहिए और बड़े प्यार और अदब से लंगर को खाना चाहिए। एनीवे तो क्या हुआ कि मैं साईं बाबा के मंदिर जाती थी, साल में एक बार चले जाना बट अच्छा लगता था मुझे, या मैं बंगला साहब जाती थी और मुझसे मंदिरों में जाया नहीं जाता था। तो मैं जब गुरुजी के पास, मतलब गुरुजी से खिंच पड़ने लगी ज्यादा, या बहुत खिंच होने लगी मुझे, तो फिर मैंने ना मेरे मन में वहम सा आ गया कि मैं गुरुजी को मानू, मैं साईं बाबा को मानू, क्योंकि आपकी खिंच जो थी वो गुरु की तरफ ज्यादा थी। तो मेरे को ना वो साईं बाबा भूलते गए, मैं गुरुजी के साथ, मतलब ऐसे लगा जैसे सिर्फ गुरुजी नजर आते। मैं बड़ा परेशान हुई कि मैं गलत कर रही हूँ या ये हो क्या रहा है, क्योंकि आपको समझ नहीं होती ना, जब गुरु साक्षात एक फिजिकल फॉर्म में एक रूप लेके आते हैं तो हमारे हमारे जो अक्ल पे ना पर्दे पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं बस सोचती रहती थी और मुझे नींद नहीं आई,
और एक दिन फिर गुरुजी